नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों आज हम अपने करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 20 सितंबर 20 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों जल्दी से आप सब लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को आप सब लोग शेयर करें। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इसी के साथ साथ कोशिश करिए डेली जो है करंट अफेयर की क्लास को फॉलो करिए, आपका कोई भी सेशन जो है वो मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ डेली करंट अफेयर की दोस्तों PDF जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड की जाती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो वहाँ से आप लोग जो है ग्रुप को ज्वाइन करके, ठीक है, डिकोड एग्जाम के ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप को। वहां से आप डेली PDF डाउनलोड करके अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए और रिवीजन करिए। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। क्लास स्टार्ट करो उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला रखी है। ठीक है, तो सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला रखी गई है किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा। ऑप्शंस आप देख रहे हैं, जिन्हें आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करते रहिए। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए है, पंजाब सरकार के द्वारा, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला रखी है। आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो 12 सितंबर को दोस्तों, ठीक है, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत सिंह मान, उन्होंने जो कि पंजाब के फिरोजपुर में सारागढ़ी युद्ध स्मारक की आधारशिला रखी। देखिए ये युद्ध स्मारक था जहां पे 12 सितंबर 1897 में, ठीक है, एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ था जिसमें जो है 21 बहादुर जो सिख योद्धा थे तो उन्होंने जो है युद्ध के दौरान अपनी जो है शहादत को वो प्राप्त हो गए थे। तो उन्हीं की स्मृति में जो है ये सारागढ़ी युद्ध स्मारक की आधारशिला रखी गई है पंजाब के मुख्यमंत्री के द्वारा। सारागढ़ी के जो युद्ध हुआ था दोस्तों वो हुआ था यहाँ पे 12 सितंबर, ठीक है, 12 सितंबर 1897 को ही हुआ था। और ये देखा जाए कहाँ पे हुआ था, सो सामाना रिज जो कि पाकिस्तान में, वहां पे ही हुआ था। और इस युद्ध की बात करें तो ये सैन्य इतिहास में एक उल्लेखनीय अध्याय है। इस दौरान क्या हुआ था, जो 36वें जो सिख रेजिडेंट के जो 21 सैनिक थे उन्होंने लगभग 10,000 अफगान हमलावरों के खिलाफ जो है वो बहादुरी से अपने पोस्ट का, जो किला था उसका उन्होंने बचाव किया था, रक्षा की थी। और उस दौरान आत्मसमर्पण न करके बल्कि उन्होंने शहादत का विकल्प चुना था, ठीक है, अपने पोस्ट की रक्षा करते हुए वो जो है उनकी मृत्यु हुई थी। और जिस कारण से उनके जो है ये स्मृति में, उन्हीं की स्मृति में ये जो है स्मारक बनाया गया। यहाँ पे 36वीं जो सिख रेजिमेंट को अब जो कि 4थी सिख रेजिमेंट के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा सारागढ़ी युद्ध स्मारक पंजाब में, ठीक है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं पंजाब सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया है कृषि के क्षेत्र में, तो जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, किसे, जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए जो वहां की सरकार है उन्होंने प्रायोगिक परियोजना के तौर पे, ठीक है, एक प्रायोगिक परियोजना शुरू किया है। और इस प्रयोग के रूप में, ठीक है, और इस प्रायोगिक परियोजना के तहत देखिए वहां की सरकार जो है अमृतसर जो जिला है उस जिले का एक ब्लॉक है जिसका नाम है चोंगवा ब्लॉक, ठीक है, उस चोंगवा ब्लॉक में बासमती फसल की ऐसी खेती की जाएगी, ऐसा उत्पादन किया जाएगा कि उसमें से कोई भी अवशेष उत्पन्न नहीं होगा। तो एक प्रायोगिक तौर के रूप में किया जा रहा है। चोंगमा का एनवायरमेंट भी बहुत ज्यादा बासमती राइस के लिए बहुत अच्छा है, तो इस कारण से ये जगह वहां पे चुना गया है। तो अवशेष मुक्त खेती में जो है एक तरीके से ये जो खेती होगी अवशेष मुक्त, वो बहुत ही ज्यादा न्यून रसायन, बल्कि ना के बराबर इसमें रसायन का इस्तेमाल किया जाएगा। पूरी तरीके से ये जैविक कृषि होगी, ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी। और चोंगवा ब्लॉक की बात करें दोस्तों तो ये रावी नदी की घाटी के पे स्थित है। और इसमें देखा जाए ये सबसे सुगंधित जो कि लंबे अनाज वाले जो बासमती चावल होते हैं, उन बासमती चावल के पोषण के लिए यहाँ की जो जलवायु है वो काफी ज्यादा अनुकूल जलवायु है। यहाँ पे लंबे बासमती चावल जो बहुत ही सुगंधित होते हैं, वहाँ यहाँ की परिस्थितियां उसके लिए बहुत ही अनुकूल है, जो कि ये से निर्यात गुणवत्ता वाली उपज बनाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए चोंगवा ब्लॉक को चुना गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे पंजाब की सरकार ने प्रायोगिक तौर पे जो है जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए बासमती फसल की ऐसी जो है खेती करेंगे जिससे किसी भी तरह का कोई अवशेष नहीं उत्पन्न होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हम अपने इसी के साथ अगले प्रश्न की कि निम्न में से किस एयरलाइन द्वारा प्रोजेक्ट अभिनंदन, ठीक है, शुरू किया गया है। तो प्रोजेक्ट अभिनंदन किसके द्वारा शुरू किया गया है, ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों, और इसका करेक्ट आंसर है एयर इंडिया, ठीक है, एयर इंडिया के द्वारा।
प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया गया है। तो अगर हम बात करें भारत की जो प्रमुख एयरलाइन है दोस्तों, उनमें से ये प्रमुख एयरलाइन है एयर इंडिया, और एयर इंडिया के ही द्वारा हम बात करें तो प्रोजेक्ट अभिनंदन जो है वो शुरू किया गया है। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट अभिनंदन का बेसिकली उद्देश्य क्या है, तो जो एयरलाइन से जो यात्री यात्रा करेंगे तो उन यात्रियों को जो है व्यक्तिगत और परेशानी मुक्त अनुभव जो है प्रदान करना है, बेसिकली इसका उद्देश्य है। और विशेष रूप से देखा जाए तो सामान के जो मुद्दे होते हैं उन मुद्दों का प्रबंधन और जो छूट रही उड़ाने हैं उनके भी निपटान से संबंधित इसमें कार्य किए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत जो की जा रही है वो एयर इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। इस पहल के तहत देखा जाए एयर इंडिया जो है, एयर इंडिया ने यात्रियों को जमीनी सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए देश भर के 16 प्रमुख हवाई अड्डों पर विशेष रूप से प्रशिक्षित सेवा आश्वासन अधिकारियों को क्या किया है, तैनात किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किस देश ने विकिरण संबंधी चिंताओं के कारण आईफोन 12 की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये देखिए आईफोन है, ठीक है, ये मोबाइल फोन आईफोन जो 12 है इसमें जो है विकिरण संबंधी चिंताओं को लेकर के किस देश ने इसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन देखिए आपके सामने, तो ये यूरोपीय देश है दोस्तों फ्रांस, इसने ये महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए आईफोन की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो यहाँ पे हम बात करें दोस्तों, तो जो फ्रांस की एक विकिरण निगरानी कंपनी है जो कि विकिरण जो निकलते हैं चीजों से कहीं से भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, उसकी निगरानी करने वाली ये संस्था है जिसका नाम है एजेंसी नेशनल डे फ्रिक्वेंसीज। ठीक है, फ्रिक्वेंसीज, तो ये जो है एजेंसी, ध्यान रखिएगा, इसको ANFR के नाम से जाना जाता है। और इससे देखा जाए जो एप्पल का आईफोन 12 है उसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। और इस प्रतिबंध लगाए जाने का कारण ये बताया गया है कि एक परीक्षण किया गया, उसमें ये पता चला कि ये जो आईफोन 12 है दोस्तों, इस आईफोन 12 से जो विकिरण निकल रहा है वो विकिरण जो कि यूरोपीय विकिरण जोखिम सीमा है उससे काफी ज्यादा अधिक है। तो ध्यान रखिएगा, यूरोपीय विकिरण जोखिम सीमा है। ठीक है, तो माना यह गया जब ये परीक्षण हुआ तो इसमें ये देखा गया कि ये जो आईफोन 12 है उससे जो है इस सीमा से अधिक जो है वो रेडिएशन निकल रहा है, जो इसकी विकिरण निकल रही, जिस कारण से जो है इस बिक्री पर, इसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय फ्रांस के सरकार के द्वारा लिया गया है। अगर हम बात करें आईफोन 12 की जो स्पेसिफिक ऑब्जर्प्शन रेट है दोस्तों, जो सार है वो कानूनी रूप से अनुमानित से अधिक है। ठीक है, तो जो जितनी भी अनुमानित किया गया स्पेसिफिक ऑब्जर्प्शन रेट एक होता है अनुमानित किया जाता है, उससे अधिक जो है इसमें पाया गया है। एप्पल ने देखिए इस जो है एक तरीके से इस प्रमाणीकरण का खंडन किया है, अंतर्राष्ट्रीय निकाय का जो प्रमाणीकरण का हवाला दिया है और कहा है कि जो ये कंपनी है ANFR के जो निष्कर्षों का खंडन किया और कहा कि आईफोन 12 जो है वो वैश्विक विकिरण मानकों का क्या करता है, पूरा अनुपालन करता है। अगर हम सार का मतलब देखें तो इसका मतलब होता है स्पेसिफिक, ठीक है, ऑब्जर्प्शन रेट, ठीक है, और ये दर है, रेट है, तो ये क्या, कौन सी दर है, तो ये एक दर का माप है जिसे मानव शरीर उपकरणों से रेडियो फ्रिक्वेंसी ऊर्जा को अवशोषित करता है। तो ये कौन सी दर है कि जिस दर पर, ठीक है, मानव शरीर उपकरणों से रेडियो फ्रिक्वेंसी ऊर्जा को अवशोषित करता है। ठीक है, मानव शरीर उपकरणों से जो उपकरण होते हैं उसमें से जो रेडियो फ्रिक्वेंसी ऊर्जा है उसको जो अवशोषित करता है उसी दर को दोस्तों कौन सा सार कहा जाता है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एप्पल 12 की बिक्री को जो है रोकने के लिए बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय फ्रांस की सरकार ने लिया। इसी के साथ साथ हम बात कर लेते हैं अन्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आईफोन से संबंधित है। एप्पल की बात करें दोस्तों, तो एप्पल ने जो कि यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन के जो नियम है उन नियमों का पालन करने के लिए जो आईफोन 15 है उस आईफोन 15 में USB-C पोर्ट को अपनाया है। ठीक है, तो किस पोर्ट को अपनाया है, USB-C पोर्ट को अपनाया है। इन नियम के अनुसार देखा जाए जितने भी स्मार्टफोन कंपनियां हैं दोस्तों उनको किसका पालन करना पड़ता है, तो यूनिवर्सल चार्जर का पालन करना पड़ता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए एप्पल ने भी यह निर्णय लिया है कि आईफोन में जो है USB-C पोर्ट जो है वो अपनाया जाएगा। यूरोपीय संघ के संसद सदस्य है एलेक्स एगियस सलीबा, उनके द्वारा जो है किए गए बदलाव का उद्देश्य क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कचरे को कम करना। ठीक है, तो एक तरीके से ये जो उद्देश्य है कि सारे जितनी भी स्मार्टफोन कंपनी है वो अपने मोबाइल में यूनिवर्सल चार्जर का उपयोग करें, उसका पालन करें, इस उद्देश्य की बात करें, इसके जो ये जो बदलाव किया गया है, ये जो शर्तें रखी गई उसका बेसिकली उद्देश्य क्या है, जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा निकलता है उस इलेक्ट्रॉनिक कचरे को कम करना है, साथ ही साथ सुरक्षा मानकों में सुधार करना है, जो सुरक्षा मानक है उसमें सुधार करना है, और अंतर यहाँ पे संचालनता को भी क्या करना है, बढ़ावा देना है। ठीक है, तो इसी उद्देश्य से यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा ये निर्णय लिया गया है, महत्वपूर्ण निर्णय है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने ओंकारेश्वर में
आदि शंकराचार्य की 108 फुट प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो यहाँ पे देखिए 108 फुट की प्रतिमा बनाई जा रही है आदि शंकराचार्य की ओंकारेश्वर में। ओंकारेश्वर जिसे पता होगा फटाक से आंसर कर लेगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश की सरकार, ठीक है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वर्तमान शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने जो मध्य प्रदेश का शहर है दोस्तों इंदौर, वहां से लगभग 80 किलोमीटर दूर खंडवा जिले में माधंता शहर, जिसे जो है एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, ओंकारेश्वर के भी नाम से जाना जाता है माधंता शहर को, वहां पे जो 8वीं शताब्दी के दोस्तों दार्शनिक हैं जिनका नाम है आदि शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य की 108 फुट ऊंची विशाल प्रतिमा का अनावरण किया है। इसका जो आयोजन है, इस आयोजन को किस नाम से जाना गया, तो स्टैच्यू ऑफ वननेस यानी कि एकात्मता का प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ वननेस आपसे पूछा जा सकता है कि किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है, तो ये मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर यानी कि अगर आपसे शहर जान जाए तो माधंता शहर में जो है ये है, और ये किससे संबंधित है, स्टैच्यू ऑफ वननेस यानी कि आदि शंकराचार्य की 108 फुट ऊंची ये विशाल प्रतिमा है। इस प्रतिमा की बात करें दोस्तों तो ये भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है दोस्तों ओंकारेश्वर मंदिर, उसी के पास माधंता पर्वत पर स्थित है, ठीक है। ओंकारेश्वर मंदिर दोस्तों जो 12 ज्योतिर्लिंग है भगवान शिव के उसमें से एक है, और उसी के पास में माधंता पर्वत है, वहीं पर ये प्रतिमा जो है स्थित है। बात करें यहाँ पे, ये प्रतिमा जो है आदि शंकराचार्य को श्रद्धांजलि देने के लिए है, और उनकी बात करें तो एक प्रतिष्ठित दार्शनिक थे दोस्तों आदि शंकराचार्य, और इन्होंने देखा जाए तो अद्वैत वेदांत दर्शन पर जो है ज्ञान प्राप्त करने के लिए जब ये 12 साल की उम्र में आदि शंकराचार्य ने जो है ओंकारेश्वर का दौरा किया था। आदि शंकराचार्य दोस्तों बात करें तो ये देश भर में देखा जाए इन्होंने अद्वैत वेदांत का प्रचार किया था, और इस प्रचार करने के लिए जो है इन्होंने यात्रा शुरू की। तो पहले जो है इस दर्शन का अध्ययन करने के लिए ओंकारेश्वर में 4 साल इन्होंने बिताया था। अद्वैतवाद जो है उससे आदि शंकराचार्य, ठीक है, अद्वैत वेदांत से संबंधित है ये ध्यान रखिएगा। तो आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ वननेस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए दोस्तों इसको, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो अभी हाल ही में देखा जाए यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थल में, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल होने वाली शांति निकेतन की स्थापना की वर्ष किस जो है किस वर्ष की गई थी, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे किस वर्ष लिखा है, किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन दोस्तों आपके सामने है, और हम बात करेंगे किस कारण से हम शांति निकेतन, ठीक है, की स्थापना के बारे में बात कर रहे हैं, शांति निकेतन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये इसका करेक्ट आंसर है 1863 में। तो यहाँ पे जो भारत के जो पश्चिम बंगाल दोस्तों राज्य वहां पे स्थित है शांति निकेतन। तो शांति निकेतन एक यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थल है उस विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त करने की प्रतिष्ठा जो है प्रतिष्ठित दर्जा हासिल कर लिया। तो ध्यान रखिएगा विश्व धरोहर स्थल में जो है शांति निकेतन को जगह दिया गया है, स्थान दिया गया है, दर्जा दिया गया है पश्चिम बंगाल में स्थित जो शांति निकेतन है। ये जो निर्णय लिया गया है दोस्तों, ये जो विश्व धरोहर समिति की बैठक हुई दोस्तों 45वीं बैठक जो कि कहाँ हुई है, सऊदी अरब के रियाद शहर में। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों, क्योंकि ध्यान रखिएगा इसी बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया, 45वीं विश्व धरोहर स्थल की जो बैठक हुई है सऊदी अरब के रियाद में, यहीं पे ये निर्णय लिया गया कि जो है शांति निकेतन को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्रदान किया जाए। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि की आधिकारिक पुष्टि की गई इसी बैठक के दौरान। अब जो कि शांति निकेतन को भारत में जो है 41वीं विश्व धरोहर संपत्ति के रूप में चिन्हित किया गया। तो ये कौन सा जो है 41वीं जो है विश्व धरोहर संपत्ति, ये भारत की शांति निकेतन। शांति निकेतन की दोस्तों बात किया जाए तो इसकी स्थापना की गई थी 1863 में किया गया था, जैसा कि आपसे प्रश्न में भी पूछा गया था। तो इसकी स्थापना 1863 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा दोस्तों किया गया था, और जब इसकी स्थापना की गई थी तो ये एक आश्रम के रूप में इसका स्थापना किया गया था। आगे चल करके रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसे शिक्षा की पारंपरिक गुरुकुल प्रणाली के रूप में बदल दिया, ठीक है, कब, 1901 में। तो एक तरीके से ये शिक्षा का क्षेत्र हुआ, गुरुकुल प्रणाली के आधार पर यहाँ पे शिक्षा प्रदान की जाती थी, ठीक है, जहां पे यहाँ पे स्कूल और कला केंद्र के रूप में आगे चल करके इसे बदला गया। शांति निकेतन की दोस्तों बात करें तो 2010 से ही ये यूनेस्को की अस्थायी सूची का हिस्सा रहा है, 2010 से इसको अस्थायी सूची में शामिल किया गया था। और जो है इसके तो इससे ये संभावना थी कि आगे चलकर की एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को इसे जो है दर्जा मिलेगा, या फिर इसके महत्व को ये दर्शाता है। यूनेस्को शिलालेख की बात करें दोस्तों तो यूनेस्को जो है शिलालेख के लिए आधार जो आधिकारिक नामांकन दस्तावेज जनवरी 2021 में विश्व धरोहर केंद्र को जो है प्रस्तुत किया गया था। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 41वीं विश्व धरोहर संपत्ति के रूप में भारत के कौन से,
जो है पश्चिम बंगाल में स्थित शांति निकेतन किसके द्वारा स्थापना किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ दोस्तों बात करें, जैसा कि पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, इसी के बाद देखा जाए एक और निर्णय लिया गया इस बैठक में कि कर्नाटक में जो होयसल के पवित्र मंदिर समूह है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस मंदिर समूह में कौन कौन से मंदिर शामिल है, बेलूर, हलबिट और सोमनाथपुरा। तो ये जो है सोमनाथपुरा के जो होयसल मंदिरों को क्या किया गया, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, ये भी निर्णय इसी के साथ लिया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो कर्नाटक का होयसल के पवित्र मंदिर है दोस्तों, उनको भी क्या किया गया है, मंदिर समूह उनको भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और ये जो निर्णय लिया गया है दोस्तों, इसका जो ऐलान किया गया है यूनेस्को के द्वारा किया गया है। और ये निर्णय देखिए, जैसा कि आपको पता है 45वीं बैठक हुई है विश्व धरोहर समिति की, कहां पे, सऊदी अरब के रियाद में, वहीं पे उसी सत्र के दौरान ये निर्णय लिया गया। होयसल मंदिर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो होयसल मंदिर, जो होयसल के पवित्र मंदिर समूह है, इन्हें जो है यूनेस्को की संभावित सूची में जो है अप्रैल 2014 में शामिल किया गया था। तो ये अप्रैल 2014 से ही यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल है। भारत ने जो है इसे साल 2022-23 के लिए विश्व धरोहर के रूप में विचार के लिए नामांकन के रूप में भेजा था, कि भाई एक नामांकन पत्र के रूप में भेजा था कि आप इस पर विचार करिए कि इसको शामिल किया जाना चाहिए कि नहीं, और उसी विचार के उसी के बाद देखा जाए ये निर्णय लिया गया। होयसल मंदिर दोस्तों 12वीं और 13वीं शताब्दी के बीच में बनाया गया था, और ये कला और साहित्य के संरक्षक जो माने जाते हैं दोस्तों होयसल राजवंश, ठीक है, उन्हीं के द्वारा बनाया गया था। और होयसल जो है यहाँ पे जो इसकी राजधानी थी, ठीक है, राजधानी थी। और ये बात करें दोस्तों, तो ये तीन होयसल मंदिर जो है ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत भी संरक्षित स्मारक है, और इसीलिए जो है जो ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है दोस्तों, उसके द्वारा इसका संरक्षण और रखरखाव भी किया जाता है। तो यहाँ पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ध्यान रखिएगा कर्नाटक का होयसल के मंदिर पवित्र समूह, जो पवित्र मंदिर समूह है, और दूसरा पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन। तो इस क्वेश्चन को स्टार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बात कर लेते हैं यूनेस्को के बारे में दोस्तों। यूनेस्को जिसे हम यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। ये बात करें दोस्तों तो ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, और साथ ही साथ देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह जो है SDG का भी सदस्य है, और SDG जो कि UN SDG कार्य करता है। तो ये संयुक्त राष्ट्र एजेंसी और संगठनों का एक संगठन है, एक गठबंधन है, और इसका उद्देश्य क्या है, तो सतत विकास लक्ष्यों को, जो SDG गोल है दोस्तों, उनको पूरा करना। अगर हम बात करें यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, ध्यान रखिएगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में है, महानिदेशक ऑड्रे अजोल है, और ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना, ये स्टैब्लिश कब हुआ था, तो 16 नवंबर 1945 को हुआ था। कहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी, लंदन यूनाइटेड किंगडम में किया गया। ध्यान रखिएगा लंदन में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है। और इसमें वर्तमान सदस्य कितने हैं, तो 193 इसके सदस्य हैं, और 11 जो है इसके सहयोगी सदस्य हैं। तो ये यूनेस्को से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न है दोस्तों की निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो के चौथे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। तो वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो के चौथे संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा दोस्तों, ये किया जाएगा महाराष्ट्र में, अगले महीने इसका आयोजन किया जाएगा। तो महाराष्ट्र में वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो के चौथे संस्करण का दोस्तों आयोजन किया जाएगा, 3 से लेकर 4 अक्टूबर तक इस एक्सपो का आयोजन किया जाएगा महाराष्ट्र में। कहा तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। ध्यान रखिएगा ये चौथा संस्करण होगा वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो का। यहाँ के जो राज्यपाल, यानी कि जो महाराष्ट्र के दोस्तों राज्यपाल है रमेश बेस, वो विश्व व्यापार एक्सपो का क्या करेंगे, चौथे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। और साथ ही साथ देखें तो इस विशेष रूप से ये किस पे जो है, तो ये MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए वैश्विक व्यापार संबंधी में सहायता के लिए भारत का सबसे बड़ा व्यापार मंच होगा, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो। यह कार्यक्रम दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई और ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री के द्वारा जो है संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। तो किसके द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, किस राज्य में किया जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न जो कि स्टेट से ही संबंधित है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गृह आधार योजना शुरू की गई, तो किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन दोस्तों देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए।
वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक्स बढ़ाइए। और इसका करेक्ट आंसर है बी, गोवा। ठीक है, तो गोवा सरकार ने गृह आधार योजना की शुरुआत की है। तो गोवा के जो मुख्यमंत्री दोस्तों प्रमोद सावंत, ठीक है, उन्हीं के द्वारा जो है गृह आधार योजना की शुरुआत की गई है और कई लाभार्थियों के लिए गृह आधार स्वीकृत आदेश भी वितरित किया गया है गोवा के मुख्यमंत्री जी के द्वारा। इस पहल की बात करें दोस्तों, यह पहल जो है महिला और बाल विकास निदेशालय द्वारा गृहिणियों को आर्थिक रूप से समर्थन देने के लिए शुरू किया गया है। इससे उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने, उनकी स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में जो है मदद मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा, गृह आधार योजना गोवा सरकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, कि किस देश ने श्रीलंका में आयोजित एशिया विश्व कप 2023 का खिताब जीता। देखिए, यहाँ से प्रश्न से ही हमें एक आंसर मिलता है कि जो एशिया कप 2023 हुआ है वो श्रीलंका में आयोजित हुआ है। और किस देश ने इस कप को जीता है, ऑप्शंस आप देख रहे हैं, और इसका करेक्ट आंसर है सी है, भारत ने जो है श्रीलंका को ही हरा करके एशिया कप 2023 का खिताब जीता है। तो यहाँ पे श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित किया गया था फाइनल, ठीक है, एशिया कप 2023 का, और इसमें श्रीलंका को 10 विकेट से हरा करके एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है दोस्तों, भारत ने जीता है। ठीक है, उपविजेता कौन है, श्रीलंका है। और ये भारत का दोस्तों 8वां एशिया कप खिताब था, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भारत का जो 8वां एशिया कप खिताब था। और साथ ही गेंद शेष जो है उस मामले में देखा जाए तो वनडे में उनकी सबसे बड़ी जीत भी रही है। इस दौरान इस मैच में जो है मैन ऑफ द मैच का खिताब किसने जीता है, मोहम्मद सिराज ने जीता है। और मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किसने जीता है दोस्तों, किसे दिया गया है, कुलदीप यादव को प्रदान किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चूंकि श्रीलंका की दोस्तों बात करें तो यहाँ पे श्रीलंका से संबंधित एक और भी न्यूज थी जो कि ध्यान रखिएगा, जो भारतीय नौसेना है और जो श्रीलंकाई नौसेना है उनके संयुक्त गोता प्रशिक्षण के लिए, ठीक है, भारतीय नौसेना का जो गोताखोरी सहायता और पनडुब्बी बचाव पोत है जिसका नाम है INS निरीक्षक, वो 14 सितंबर को श्रीलंका के त्रिकोमाली बंदरगाह पर पहुंच गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भारतीय नौसेना है और श्रीलंकाई नौसेना उनके बीच में गोता प्रशिक्षण होने वाला है, जिसके लिए जो है भारत की तरफ से INS निरीक्षक जो है वो गई है श्रीलंका में, और ये श्रीलंका पहुंच भी गई है। ठीक है, और ये कहाँ पे, त्रिकोमाली बंदरगाह पे पहुंची है। ये एक ऐसे जो है एक सप्ताह से अधिक समय तक जो है ये दोनों जो नौसेनाएं यानी कि दोनों देशों की जो नौसेनाओं की जो गोताखोरी टीमें हैं वो अंतर संचालनीयता सामंजस्य सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए गोताखोरी अभ्यास में जो है वो भाग लेंगे। ठीक है, तो एक गोताखोरी अभ्यास किया जा रहा है भारत और श्रीलंका की नौसेनाओं के बीच में, जो भारत की तरफ से INS निरीक्षक जो है वो शामिल हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किस देश ने IB साथी पहल शुरू किया है। तो IB साथी पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है, ये शुरू किया गया है इंडियन बैंक के द्वारा। ठीक है, तो इंडियन बैंक ने ध्यान रखिएगा फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए वित्तीय समावेशन, ध्यान रखिएगा वित्तीय समावेशन मतलब हर किसी को बैंकिंग सेवा से जुड़ने को ही वित्तीय समावेशन कहा जाता है। और वित्तीय समावेशन के ही उद्देश्य से यानी कि इस दिशा में अपने प्रयासों को मजबूत करने के लिए जो IB बैंक है दोस्तों यानी कि इंडियन बैंक है, उसने IB साथी का फुल फॉर्म क्या है, समग्र समावेशन के लिए सतत पहुंच और संरेखित प्रौद्योगिकी, इस नाम की एक नई पहल की शुरुआत किया है। तो IB साथी पहल की शुरुआत किसने किया है, इंडियन बैंक ने किया है, किस उद्देश्य से, वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से। इस पहल के हिस्से के रूप में देखा जाए तो इंडियन बैंक जो है वो अपने सभी केंद्रों पर निश्चित आउटलेट के माध्यम से हर दिन कम से कम 4 घंटे क्या करेगी, बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के प्रयास करेगी। कदम का उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित करना है। इसी के साथ साथ बैंक ऑफ बड़ौदा के भी संबंधित कुछ न्यूज देख लेते हैं जो हाल फिलहाल में था। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा ने दोस्तों 4 नए बचत खाते पेश किए हैं, किस उद्देश्य से, तो ग्राहक पेशकों को बढ़ाने के लिए और अनुरूप वित्तीय समाधान प्रदान करने के लिए जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उसने 4 नए बचत खाते जो है पेश किए हैं। ये खातों की बात करें दोस्तों तो ये खाते ग्राहकों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करते हैं जिससे बैंकिंग जो है अधिक सुलभ और सुविधाजनक हो जाती है। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए कौन कौन से 4 खाते कौन कौन से ये देख लीजिए, तो बैंक ऑफ बड़ौदा लाइट बचत खाता, लाइट बचत यानी कि आजीवन बिना न्यूनतम शेष राशि वाला ये खाता होगा, इसमें कोई जरूरत नहीं है कि आप न्यूनतम राशि होनी चाहिए, 0 से भी ये खाता चलता रहेगा, आजीवन चलेगा। और वहीं पर बात करें ठीक है, BOB
बचत खाते की। ये छात्रों के लिए दोस्तों एक शून्य बैलेंस बचत खाता होगा। छात्र कौन? जो 16 से लेकर के 25 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए है। वही बात करें यहाँ पे तो मेरा परिवार मेरा बैंक, ठीक है, खाता भी शुरू किया गया, एक परिवार खाता है और ये एक व्यापक पारिवारिक बचत खाता होगा। वही बात करें बड़ौदा NRI, ठीक है, NRI पावर पैक खाता भी, जो अनिवासी भारतीय हैं जो भारत में नहीं रहते हैं उनके लिए भी अनुकूलित खाता पेश किया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा ये 4 नए बचत खाते पेश किए गए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा, ठीक है। इसी के साथ साथ ये इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की। आज का हमारा जो 10वां MCQ है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साझेदारी मोड में कितने नए सैनिक स्कूल को मंजूरी दिया है। तो देखिए कुछ नए सैनिक स्कूल की मंजूरी दी गई है रक्षा मंत्री जी के द्वारा। कितने नए सैनिक स्कूल की दोस्तों? तो करेक्ट आंसर सी है, 23 नए सैनिक स्कूलों की। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक साझेदारी के मोड के तहत देखा जाए अतिरिक्त, यानी कि इसके पहले भी सैनिक स्कूल थे और नए जो है 23 नए सैनिक स्कूलों के निर्माण को मंजूरी दिया है। यहाँ पे भारत सरकार ने गैर सरकारी संगठनों, निजी स्कूलों, राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में 6 से शुरू होने वाले 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना को मंजूरी दिया है। सैनिक स्कूल दोस्तों सोसाइटी ने, सैनिक स्कूल सोसाइटी ने देश भर में स्थित 19 नए प्रस्तावित सैनिक स्कूलों के साथ एक नया समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आवेदनों के आगे, ठीक है, आगे के मूल्यांकन में साझेदारी मोड के तहत 23 अतिरिक्त नए सैनिक स्कूलों को मंजूरी मिली है, जिससे पिछले मॉडल के तहत संचालित जो है मौजूदा 33 सैनिक स्कूलों के अलावा स्कूल कितने, कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 42 हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा 23 नए सैनिकों, अतिरिक्त नए जो है सैनिक स्कूलों के निर्माण की मंजूरी दिया गया रक्षा मंत्री जी के द्वारा। इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं रक्षा मंत्री दोस्तों एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है मंत्रालय ने, रक्षा मंत्रालय ने, इसमें लगभग 45,000 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न हथियारों प्रणालियों और अन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी दिया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा रक्षा मंत्रालय ने अपने रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने से उद्देश्य से, ठीक है, 45,000 करोड़ रुपए की लागत से जो है यहाँ पे हथियार प्रणाली, ठीक है, विभिन्न हथियार प्रणाली और अन्य उपकरणों की खरीद की मंजूरी दिया है, जिसका बजट देखिए इतना है। इसमें देखिए क्या क्या शामिल है, तो हवा से सतह पर मार करने वाली कम दूरी के प्रक्षेपास्त्र धनुषास्त्र, 12 SU-30 MKI लड़ाकू विमान जो है वो शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली जो रक्षा अधिग्रहण परिषद ने कुल 9 खरीद जो है प्रस्ताव को मंजूरी दिया है। ये सभी खरीद जो है वो भारतीय विक्रेताओं से की जाएगी, जिसमें आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भारतीय रक्षा उद्योग को पर्याप्त बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये था दोस्तों रक्षा मंत्रालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो है करेंट अफेयर। तो ये था आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करते हैं किसके बारे में, फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। आज का हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल द्वारा गाटी चेरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किसे किया गया? मंडली बुद्ध प्रसाद को किया गया। सितंबर 2023 में जारी भारत की वित्तीय वर्ष 2024 के लिए फिच रेटिंग क्या है? तो फिच ने देखी रेटिंग किया है, ठीक है, 6.3%। गोल्ड फेस्ट कॉन्क्लेव 2023 में भारत के प्रतिष्ठित ब्रांड के रूप में मान्यता दी गई किसे दोस्तों? L&T फाइनेंस को। अगला है भारत, यहाँ पे माफ करिएगा, राज्य के परिवहन विभाग ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड पेश करने का निर्णय लिया है, किस राज्य सरकार ने? हरियाणा की। बांग्लादेश का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार बन गया है कौन सा देश दोस्तों? भारत। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा और डेली करंट अफेयर की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड की जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चाहिए डेली जो है डाउनलोड करिए, रिविजन करिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।